एक तरफ जहां पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन है तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार की ओर से लगातार यह प्रयास किया जा रहा है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से कैसे निपटा जाए, तो दूसरी ओर अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं चरमराई नजर आ रही है। प्रदेश सरकार की ओर से सभी आबकारी विभाग को यह आदेश दिया गया था कि सभी मॉडल शॉप्स को एक हफ्ते के लिए खोलना सुनिश्चित किया गया था, जिसमें मॉडल शॉप का समय 10 से 7 निर्धारित किया गया। तो वहीं राजधानी में लोगों की भीड़ भी सड़कों पर दिखाई दी। तो कई ऐसे भी मॉडल शॉप पर जहां पर लोगों ने अनुशासित तरीके से सभी नियमों का पालन किया, तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ पुलिस ने तमाम लोगों को अनुशासित रखने के लिए उचित व्यवस्था भी कर रखी थी। भारत में जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया था, हालांकि प्रदेश सरकारों ने यह फैसला लिया है कि जितने भी वाइन शॉप्स हैं जहाँ पर पुराना स्टॉक बचा हुआ है उनको पूरी तरीके से निकाला जाए। हालांकि कल से ये आदेश पारित हुआ तो उसके बाद लोग भी सड़कों पर आकर के लंबी कतारों में खड़े होकर के वाइन शॉप पे आ रहे हैं और शराब की जो बिक्री है उसको लगातार बढ़ा रहे हैं। हालांकि हम राजधानी लखनऊ के महानगर चौराहे पर मौजूद हैं, हम आपको पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर लोग कतारबद्ध तरीके से खड़े होकर के अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और वाइन जितनी भी लेनी है उनको उसका इंतज़ार कर रहे हैं और वाइन्स ले रहे हैं। हालाँकि जो जिस तरीके की पहले अफवाह उड़ाई गई थी कि जो है जो वाइन्स के दाम हैं उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, हालांकि उस तरीके की कोई भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है और लोग कतारबद्ध तरीके से यहां पर जो अपनी बारी है उसका इंतज़ार कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन की ओर से भी लगातार ये प्रयास करे जा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेनटेन कराया जाए। और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर लगातार खड़े होकर के पूरा जायज़ा ले रहा है, उस तरीके से लगातार यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग भी बना करके रखने की जो कवायद है उसको भी लोग बरकरार रखे हुए हैं। कैमरा रवि के साथ अमन प्रधान, ONN न्यूज़ लखनऊ।